जो चीज मांगनी चाहिए भगवान से वो तुमने याद भी को जा। क्या मांगे? भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो। एक कह मांगे सब कुछ मिल गया। जब परमात्मा आपको भक्ति देवेगा तो भक्ति बख्शीश कर दी, तो भक्ति में जो भी चीज बाधक होंगी जिसके कारण टेंशन बनकर भक्ति बाधक बनेगा तो उस टेंशन को एडवांस में आपकी खत्म करता चलेगा भगवान। इसका उदाहरण देते हुए परमात्मा कहते हैं के मांगू कुछ ठहर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती। उस रावण के आज दीवान बाती। अब जैसे पुण्यात्मा बहुत से उदाहरण है आप याद को नहीं रखते, क्योंकि हमारी बुद्धि पर इतना दबाव प्रेशर है इस काल का कि हम थोड़ी सी देर सुनते हैं सत्संग तो याद एकदम आता है। पुण्यात्माओं का जिनके पाप बहुत अक्षीण हो चुके हैं उनके तो हृदय में ठेस लगती है, बहुत कशक बनती है कि सचमुच या तो बात बिगड़ी पड़ी है। और जिनके अभी बुखार उतरा नहीं पाप कर्मों का और वो आते हैं, नाम भी ले लिया है, ट्रीटमेंट जारी है, उपचार यही है, धीरे धीरे उनको भी एक दिन ये बातें सीधी अटैक करने लग जाएंगी आत्मा के ऊपर। अब जो सुनते हैं नए नए भक्त आते हैं जिनके पाप अभी इतने अक्षीण हुए नहीं है, कम नहीं हुए हैं, तो वो सुनते भी इन बातों को, लेकिन वह जग है ठिकाने पर जाकर चोट लाग नहीं रही उनके, उनको इन बातों का विशेष असर नहीं हो रहा, लेकिन होगा, ये सुनने से ही होगा इन बातों का, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है, अंदर पाप नाश करने का भी काम ये साथ में करती है। कुछ पाप ऐसे हैं जो परमात्मा की वाणी से, इस प्रवचन से, सत्संग से ही समाप्त हुआ करते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो गया है, वो कई प्रकार का होता है मैल। एक तो ऐसा मैल होता है झाड़ दे धूल जड़ भी साफ हो गया, एक ऐसा होता है पानी में से निकाल दे धो दे उससे भी साफ हो गया कपड़ा, एक मैल ऐसा होता है कि साबुन लगाने से ही उतरेगा, पसीना लगा हुआ होता है, और एक मैल ऐसा होता है कि वो फिर ड्राई क्लीन से ही उतरेगा। तो ये सभी तरह के तरीके हम अपनाने पड़ेंगे जिसका जैसा वस्त्र मैला है, तो इस सब प्रकार के प्रोसीजर में तो आपको निकालना पड़ेगा। तो सब प्रकार का मैल आपका छुटवाना है, जब ये सब छूट जाएगा तो आपको परमात्मा की एक बात रोज खटक जाया करेगी। आपको नित्यनेम करने को दिया है, उसके अंदर वो मार्मिक शब्द हैं, अगर ध्यान से सुन लो तो रोज पोचा सा लग जाए आपके ऊपर। लेकिन हमने एक रूटीन बना लिया, यू करना ही है, उसकी रेल बना दे हैं फटाफट फटाफट करके, यू तो काम होया, चलो उसका भी लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके उसमें क्या लिखा है उसका रह रहकर असर हो आत्मा पे, ताकि जागृति बनी रहे, बुराइयों से बच कर रहे, भक्ति में श्रद्धा बढ़े। इसलिए वो नित्य नियम सुबह का और शाम का, दोपहर का आपको दिया गया है। तो ये जो बातें आपको सुनाई जाती हैं इनका असर थोड़ी देर रहता है, क्योंकि काल प्रेशर बहुत जबरदस्त है, तीनों गुणों का दबाव इतना जबरदस्त है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और सभी जब उसको लेकर जा रहे होते हैं, प्रत्येक आदमी के मन में एक बार अवश्य ही आती है, बतायो के ले कर गया बेचारा, कल तक हा हा कर हाय हाय मचा रहा था, हाय मेरा यू नो कर दूँ, राज सब को छोड़ के चला गया, और उसका वह करके काम तमाम जब उल्टा मुंह करते हैं, वो काल उसी समय बटन ऑन कर देता है, जो तेरा काम वो रह गया, वहाँ जाना है ड्यूटी पर जाना है, वहाँ पानी की सिंचाई का समय आ गया, चल ट्यूबवेल चलाना है, एक सेकंड में घिघी बांध कर उसको कुत्ती बोलो बढ़ा दे और चल। फिर मनमाने कोई कदे कोई मरे फिर याद आवे साल दो साल में, या सत्संग में आने से वो बातें आपको रोज ताज़ा कराई जाती हैं, और ऐसे ताज़ा कराते रहेंगे तो जगह भी बना जाएगी, रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान, और करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान।